गनमैन सुनील कुमार और ड्राइवर फूल कुमार शामिल है। घायल पुलिसकर्मी को सेक्टर 16 के जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस को बीती रात चेन स्नैचर के बारे में सूचना मिली थी। आनन फानन में पुलिस बदमाशों का पीछा करने लगी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार एक अज्ञात गाड़ी ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस वैन कई पलटी खाई। हादसे के बाद अज्ञात गाड़ी मौके से फरार हो गई, लेकिन उस गाड़ी का पुलिस वैन के नीचे दब गया। अज्ञात गाड़ी का नंबर है HR03J4366। तो चंडीगढ़ से खबर आ रही है जहां पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हमारे को एक्चुअली आपको मैसेज आया था, तो हम भी आईपीएससी चौक पर खड़े थे जी। तो यहाँ गड्डी थी अपनी, उल्ट रही थी, मुलाजिम निकाल के सुबह में लिमिट करा गया है। कोई ऐसा पता लगा कि स्नैचर्स के पीछा हो रहा था कि और पीछे से कोई गाड़ी आई, उसने ऐसा कुछ ऐसा स्नैचर का मैसेज चल रहा था उस टाइम। एमआर मोटरसाइकिल था उसके बाद था जी, उसके बारे में जी। तो बस यहाँ पे हुआ है कि कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग थे उस समय? तीन थे उसमें, एक ओलदार, एक ओलियन ट्रिबन मैन, उनका ज्यादा चोट लगी। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर नकेल कसने के लिए पीसीआर वैन्स पूरी तरीके से तैनात है। कल रात का भी एक ऐसा ही एक वाकया है जब चंडीगढ़ पुलिस को एक कॉल आई थी कि सेक्टर 19 की तरफ दो लड़कों ने स्नैचिंग की है मोटरसाइकिल पर। पुलिस उनका पीछा कर ही रही थी कि अचानक 1927 लाइट पॉइंट के पास इन्हें पीछे से एक आ रही गाड़ी ने हिट कर दिया, जिसका नंबर बताया जा रहा है HR03J4366, जो कि बहुत तेजी से आ रही थी। उसने पीसीआर की वैन को पीछे से हिट किया, जिसपे अचानक जो पीसीआर ने जा रहा है कि तीन बार पलटी खाई है, जिसमें पीसीआर में उस समय तीन लोग मौजूद थे, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक इंचार्ज और साथ में एक ड्राइवर बताया जा रहा है। और तीनों की मौके पर ही हालत काफी बेहद नाजुक बनी हुई थी। हालांकि ड्राइवर को इतनी ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन हेड कांस्टेबल और जो वॉलंटियर इसमें बैठा था उसको काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें सेक्टर 16 के जनरल अस्पताल में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय ये गाड़ी को हिट किया गया है उस समय ये स्नैचर्स का पीछा कर रहे थे, और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा वाकया हुआ है। सेक्टर 1927 लाइट पॉइंट पर ये हादसा हुआ है। गाड़ी की हालत से आपको अंदाजा लग सकता है कि गाड़ी के साथ जो टक्कर हुई है कितनी जोरदार टक्कर रही होगी और कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। हालांकि अभी इन दोनों जो सीरियस लोग हैं उन्हें सेक्टर 16 के अस्पताल भेजा गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। कैमरा रुपिंदर जी सिंह के साथ अंकुश महाजन, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो ये थे हमारे संवाददाता अंकुश महाजन जो इस खबर को कवर कर रहे थे। इनके पास सीधा चलते हैं और जानते हैं कि अभी स्थिति वहां क्या बनी हुई है। अंकुश, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर अभी और कैसे हुआ था यह हादसा? जी देखिए, ये रात को तकरीबन 1 बजे का हादसा है, जिस समय वहां स्नैचर्स की जो रिपोर्ट है को 100 नंबर पर कंट्रोल रूम नंबर पर एक कॉल आई थी कि ऐसे 27 सेक्टर में कुछ स्नैचर्स आए हैं मोटरसाइकिल पे। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, अचानक सेक्टर 1927 लाइट पॉइंट के पास जो पीसीआर खड़ी थी वो जैसे ही इन स्नैचर्स को पकड़ने के लिए वहां से निकलने लगी है, अचानक पीछे से आ रही तेज अज्ञात रफ्तार गाड़ी ने इनको पीछे से टक्कर मारी है। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीसीआर ने तकरीबन तीन या चार पलटी खाई है, और उसके बाद उसमें जो तीन जो पुलिस कर्मी जो मौजूद थे, जिसमें एक ड्राइवर और एक सब इंस्पेक्टर और एक गनमैन बताया जा रहा है, उन तीनों को चोटें आई हैं, जिसमें गनमैन और जो सब इंस्पेक्टर उनके गंभीर चोटें बताई जा रही है। उन्हें सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से कुछ देर पहले पता लगा है कि जो सब इंस्पेक्टर है उसको थोड़ा सा जो सिर पर चोट लगी है, और लेकिन उसको घर पे भेज दिया गया, उसको छुट्टी कर दी गई है। लेकिन जो गनमैन है उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है और वो अभी सेक्टर 16 के अस्पताल में ही है। हालांकि जो आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में इसी तरीके से जो चोरी और स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए चंडीगढ़ के एसएसपी ने रात के समय पीसीआर पर तैनाती जो है। अंकुश, पुलिस को क्या कोई पुलिस को क्या कोई सफलता मिल पाई है अब तक इस हादसे में? जी देखिए, अभी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। जिस समय हादसा हुआ उसके बाद जो पीसीआर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसके जो अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसका जो अगला हिस्सा है वो पीसीआर की गाड़ी के नीचे दब गया था, जिसपे उस गाड़ी का नंबर प्लेट आ गई है, और नंबर प्लेट के माध्यम से ही उसकी सहायता से ही इन लोगों को पकड़ने की तलाश जारी है। हालांकि अभी इसकी कोई तलाश हो नहीं पाई है, कोई सफलता मिल नहीं पाई है पुलिस को, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही जिन्होंने टक्कर मारी है वो भी पुलिस के गिरफ्त में होंगे, और साथ ही और जो
स्नैचर्स थे उन पर भी शिकंजा कसा जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी को पकड़ने में पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकुश महाजन, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और इस खबर के बारे में बताए थे कि कैसे हुआ ये हादसा और पुलिस को अब तक इस मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली के मंगोलपुरी में बाइक सवार अनजान शख्स का कहर